मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। सत्ताधारी बीजेपी अपने 15 साल के कामकाज के आधार पर जनता के बीच जा रही है, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस रोज वोटरों को रिझाने के लिए नए नए वादे कर रही है। यही नहीं, राज्य की राजनीति में गाय से लेकर भगवान राम की एंट्री तक हो चुकी है। यहाँ की दामोह विधानसभा सीट पर पिछले 28 साल से बीजेपी का कब्जा है और इस सीट से राज्य के वित्त मंत्री जयंत मलैया विधायक हैं। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रहती है। इस सीट पर कुल 2,12,000 मतदाता हैं। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जयंत मलैया और कांग्रेस के चंद्रभान के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। इस चुनाव में मलैया को 5,000 वोटों से जीत मिली थी, जबकि वोट फीसदी का अंतर सिर्फ 3.3 ही रह गया था। इस विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है। लगभग 55% जनता यहां से जयंत मलैया को दोबारा चुनना चाहती है, मतलब दमोह में विधायक जयंत मलैया जनता की नजरों में पास हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।